के 7 जिलों के विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कर्फ्यू दौरान आ रहे लोगों को मुश्किलों के बारे में विचार भी किया गया। वहीं इस मीटिंग में पूर्व कैबिनेट मंत्री वो विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के आने की भी खबर थी, लेकिन वह वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे। और कहीं ना कहीं यह बात जरूर सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो अपने कांग्रेसी कमेटी से नाराजगी थी, वे आज भी साफ दिखाई दी। वहीं इस बारे में बात करते डॉक्टर राजकुमार वेरका ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उन्होंने आज पंजाब के मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने लोगों को आ रही मुश्किलों के बारे में विचार किए। तो उन्होंने बताया कि जो लोग जीरो ग्राउंड से कोरोना खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनके बारे में सोचे। इसी के साथ डॉक्टर राजकुमार वेरका की ओर से सब्जी मंडी में इकट्ठी हुई भीड़ के बारे में भी विचार किए गए। उन्होंने बताया कि जो हजूर साहिब से 8 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, उनके पूरी तरह से टेस्ट किए जाएंगे और जितनी देर तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती उतनी देर तक उनको अलग से रहने की हिदायत भी दी जाएगी। वहीं एक बार फिर से डॉक्टर राजकुमार वेरका नवजोत सिंह सिद्धू को बचाते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सके क्योंकि उनको कोई निजी काम भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि विधायक डैनी और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में नजर आए। मैं महसूस करता हूँ कि आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अलग अलग लोगों से मशवरा किया है, अपने सभी MLA से वो मीटिंग कर रहे हैं, अपने मंत्रियों से बात कर रहे हैं, जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं, अपने सहयोगी दूसरी पार्टियों से भी बात कर रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं कि कैसे हालात हैं, हालातों का जायजा लिया जा रहा है और इन हालातों के बीच में सरकार को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए उसके बारे में चर्चा हो रही है। ये तमाम चर्चाओं के बीच में आज मुख्यमंत्री जी ने अपने MLA से चर्चा की है और हमने अपनी चर्चाओं में कहा है कि अगर किसी भी तरह का लॉकडाउन खोलना है तो उसको जोन वाइज बांटना चाहिए, जहां कोई समस्या नहीं उस एरिया को भी 100% सील करने के बिना बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए और उसको सील करना चाहिए और सील करने के बाद ही उसको खोलना चाहिए। और हमने ये भी कहा है जिस तरह सफाई कर्मचारी है और जिस तरह पुलिस कर्मचारी है, पैरा मेडिकल स्टाफ के कर्मचारी हैं, इस तरह मीडिया के कर्मचारी भी हैं, वो ग्राउंड जीरो पे अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके बारे में भी पैकेज आना चाहिए, उनको भी रिलीफ होनी चाहिए, उनको भी शाबाशी मिलनी चाहिए, उनको भी सरकार की ओर से कोई ना कोई पैकेज दिया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने इन सब बातों को गंभीरता से लिया। डॉक्टर साहब, जो बसें आई थी हजूर साहब से उसमें भी कई लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए, उनकी टेस्टिंग को लेकर कैसे चलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हजूर साहब से जो बसें आई हैं वहाँ पे बहुत से लोगों को कोरोना के सिम्टम पाए गए हैं जिनकी 100% जाँच की ज़रूरत है। हमारी सरकार तमाम लोगों की जांच करेगी, 100% जांच करेगी, तब तक उनको घरों में अगर रहेंगे भी नेगेटिव आती है रिपोर्ट तो घर में उनको शिफ्ट करेंगे, फिर भी 14 दिन तक अकेले रहना पड़ेगा उन्हें, और जिनकी पॉजिटिव आती है रिपोर्ट उनको बिल्कुल दाखिल करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो बीमारी हमारे सामने चैलेंज के रूप में आई है, हम बाखूबी उसका मुकाबला करेंगे, उसकी जाँच करेंगे और हम उनका सामना करेंगे। हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं जो हजूर साहब से आए हैं, और ये अच्छा होता, मैंने तो बहन हरसिमरत कौर बादल से भी कहा है, मैंने तो सुखबीर बादल से भी कहा है कि भैया जिस तरीके से आप प्रेशर डाल रहे थे, हमें गालियां निकाल रहे थे, 2 घंटे बसें लेट हो गई, 4 घंटे से हजूर साहब में लोग फंसे हुए, कैप्टन की बसें नहीं पहुँची, अभी मोदी साहब का जहाज जाएगा और अमित शाह की बसें लेने चले जाएगी अगर कैप्टन साहब ने नहीं भेजा तो। अरे मेरे भाई, हम चाहते थे कि उनकी 100% वहाँ टेस्टिंग होती, हमने वहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी बेनती की थी कि भैया उनकी 100% टेस्टिंग करिए, जांच करिए, लेकिन उनकी जांच हुई नहीं। इनके प्रेशर के तहत ये बसें हमें जल्दबाजी में यहाँ आई हैं, लेकिन हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, हम इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे और किसी भी साथी को नुकसान नहीं होगा, उनकी जांच भी होगी। डॉक्टर साहब, विधायक सभी आने थे लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू आज फिर से गायब रहे, यहाँ पर क्या कारण समझते कि अभी भी नाराजगी उनकी बरकरार है वैसे? अरे कहाँ नाराजगी है भैया, किसके साथ नाराजगी? कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ उसकी कोई नाराजगी नहीं, कांग्रेस के वो सिपाही हैं,
कांग्रेस के एमएलए हैं और कांग्रेस का नाम लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और सिद्धू साहब की किसी के साथ कोई नाराज़गी नहीं। यहाँ तक मीटिंग में आने का सवाल है, हर आदमी अपने तरीके से बिजी हो सकता है। और मैं आपको ये भी बात बताऊं भैया, मिस्टर डैनी एक एमएलए थे, वो भी नहीं आए, आप क्या कहेंगे वो भी नाराज है? नहीं, नाराजगी का सवाल नहीं। जो लोग आए हैं उनकी राय ले ली गई है, जो नहीं आए उनकी भी राय ली जा रही है। सिद्धू साहब की भी राय मुख्यमंत्री लेंगे। अमृतसर से मुकेश मेहरा, जीवे पंजाब टीवी।